बात पर बोले क्रिकेट निदेशक जहीर खान, अभी टीम को 11 लीग मुकाबले और खेलने हैं। जहीर के मुताबिक टीम को एक जीत से मिलेगा हौसला। मुंबई को आरसीबी ने 7 विकेट से हराया था। आरसीबी के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल की बहन का निधन, बीच आईपीएल छोड़कर घर निकले। हर्षल ने आईपीएल का बायो बबल छोड़ दिया है। हर्षल 12 अप्रैल से पहले चेन्नई के खिलाफ मुकाबले में टीम के साथ जुड़ेंगे। सुरक्षा घेरा तोड़, बीच मैदान में रोहित शर्मा के गले लगने लगा फैन। पारी के 12वें ओवर के दौरान मैदान पर देखने को मिली ये घटना। ये मुकाबला बैंगलोर और मुंबई के बीच का था। चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टेफन फ्लेमिंग ने टीम की हार पर दिया बड़ा बयान। फ्लेमिंग के मुताबिक सीएसके विरोधी टीम पर कोई दबाव नहीं बना पाई और ना ही हमारी टीम का किसी के साथ कोई करीबी मैच हुआ है, इसीलिए हमें सभी डिपार्टमेंट में सुधार करने की जरूरत है। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने शुभमन गिल की जमकर तारीफ की। शास्त्री के मुताबिक गिल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ियों में से एक है। फैंस उनकी बैटिंग देखने के लिए खर्च करते रहे हैं पैसे। आईपीएल में 11 अप्रैल को खेला जाएगा सिंगल मुकाबला। सनराइजर्स हैदराबाद के सामने होगी गुजरात टाइटंस की चुनौती। गुजरात ने टूर्नामेंट में नहीं गंवाया है एक भी मैच। क्रिकेट धमाका प्रेजेंटेड बाय राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद।